तंबोली शाहिर शेख स्टारर गाना एक हसीना ने रिलीज हो चुका है एंड ये गाना सुनते ही मैं बहुत खुश हूँ। चलिए आपको बताते हैं। वेल हेलो गाइस एंड वेलकम टू सिने स्पीक्स। मैं हूँ ज्योति नाहक। अगर आपने अब तक इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो नहीं किया और चाहते हैं तो जाकर कर सकते हैं, ज्योति नाहक 7 मेरी इंस्टाग्राम आईडी है। आपको बता दें कि फाइनली निकी तंबोली और शाहिर शेख का गाना, जिसके लिए फैंस बहुत एक्साइटेड थे क्योंकि बड़ी अनयूजुअल सी जोड़ी है, पहली बार ये दोनों साथ में आ रहे हैं। और आजकल म्यूजिक वीडियोज का ऐसा चलन चला है कि हर नई जोड़ी को जनता देखना चाहती है, एक्सप्लोर करना चाहती है। सो ऐसे में इस जोड़ी को जब लॉन्च किया गया, जब पोस्टर सामने आया तो फैंस को लगा वाओ, इट इज वेरी डिफरेंट, वेरी फ्रेश। और ये फ्रेश गाने में भी नजर आ रहा है, ये फ्रेशनेस बकायदा। पहले तो सबसे पहले आपको कुछ झलक दिखा देते हैं चलिए गाने की। ये आप देख सकते हैं गाना, हालांकि निकी तंबोली शाहिर शेख ये दोनों ही लोग बहुत ही ज्यादा खूबसूरत नजर आ रहे हैं गाने में। गाने का फील बहुत प्यारा है, गाने के लिरिक्स बहुत ही हार्ट टचिंग है, बहुत कैजुअल लिरिक्स है लेकिन वो आपको दिमाग में बस जाएंगे, ऐसे लिरिक्स हैं। उसी के साथ साथ निकी तंबोली की एक्टिंग की भी दाद देनी पड़ेगी। शाहिर शेख तो है ही ऑलरेडी बहुत अच्छे एक्टर। अब ये गाने की झलक तो मैंने आपको दिखा दी, चलिए गाने के बारे में बताते हैं। सबसे पहले तो इस गाने को रिलीज हुए 1 घंटा हुआ है और 1 लाख व्यूज अभी तक गैदर कर चुका है, 22,000 से ज्यादा लाइक्स है। शाहिर और निकी लीड पेयर है इसमें। This is a story of betrayal। जी हाँ, जब आप किसी को धोखा देकर किसी और के पास चले जाते हैं, फिर जब वो आपको धोखा देता है तब फिर आप वापस यहाँ लौट आते हैं। तो ये सब करने की जरूरत ही नहीं है, धोखा दो ही मत। बट मैं आपको बता दूं किस वक्त ये गाना बहुत ही ज्यादा पसंद किया जा रहा है, जनता भर भर के कमेंट्स कर रही है निकी और शाहिर की जोड़ी की, इनकी केमिस्ट्री की। शाहिर शेख हैज डन अ फैबुलस जॉब, क्योंकि आंखों से जो दर्द उन्होंने दिखाया है इस गाने में वो वाकई काबिले तारीफ है। अब गाने की मैं बात करती हूँ, अब तक तो मैं विजुअल सॉन्ग की बात कर रही थी कि विजुअली ये सॉन्ग बहुत अपीलिंग है, बहुत लार्जर सीन्स हैं, यू नो दिखने में बहुत अच्छा है। ऑफकोर्स निकी तंबोली बहुत अच्छी लग रही हैं, बट अब सुनने की अगर मैं बात करूं तो सुनने में ये गाना आपको बहुत ही इमोशनल कर देगा, बहुत ही दिल को छू जाएगा आपके, क्योंकि दर्द भरा गाना है, दर्द भरे लिरिक्स हैं। तो डेफिनेटली जिस जिसका दिल टूटा है वो सभी इस गाने से रिलेट जरूर कर पाएंगे। ओवरऑल इट्स अ वेरी लविंग सॉन्ग। आपको कैसा लगा बताइएगा जरूर हमें कमेंट सेक्शन में।